अरे ये तो मुझे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? और नेगी जी आप क्या कर रहे हो? मैं अभी ये मार्च में जब इसमें सेब चढ़ता है सेब के पेड़ में, तब इसके नोचिंग कर रहे हैं और इसको ये भी सीधा ऊपर जा रहा है इसकी ग्रोथ। तो तुम्हारी हाइट से काफी ज्यादा हाइट होगी। सेंटर लीडर है और इसको अब हम इसमें को बीम बनाएंगे और टहनी बनाएंगे। अच्छा। और मार्च के महीने में सेब चढ़ता है तो जो उसकी जो ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ नीचे से आएगी ना तो सीधा ऊपर जाएगी, तो उस ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए और हमको वो बिंब चाहिए। तो जो ये स्लीपिंग आँख है तो हम इसे यहाँ से इसको नोचेंगे, यहाँ से इसको हम ये काट दिए। देखो आँख बना दी ये यहाँ से। अभी जो ये आँख है ये नीचे से सेप चलेगा तो यहाँ से इसको फोर्स मारेगा, फोर्स मारेगा तो यहाँ से बिंब बनेगा, एक टहनी बनेगी। तो अभी तो सीधा ऊपर जा रहा है तो इसकी, और एक मैं यहाँ से बनाऊंगा। ये प्रक्रिया बताइए क्या होगा? तो ये जो अभी हमको अभी ये सेंटर लीटर है। हाँ, तो तुमने यहाँ पर वो बना दिया? ये इसको मैंने इसको जख्म कर दिया, नोशिंग कर दिया, नोशा। तो जो यहाँ पर स्लीपिंग आईज है, ये आईज ये जो नीचे से सेप चढ़ेगा मार्च के महीने में, यहाँ से नीचे सेप चढ़ेगा ग्रोथ, तो ये यहाँ से फोर्स मारेगा। हाँ जी, हाँ जी, फोर्स मारेगा तो एक टहनी निकलेगी। बिल्कुल। हाँ, तो टहनी निकलेगा और ये मैन सेंटर लीडर है, सेंटर लीडर मैन है। तो अब हमको टहनी भी चाहिए और फल भी चाहिए और बिंब भी चाहिए। तो उसको मैं एक हमको एक टहनी यहाँ चाहिए। अब तो सीधे ऊपर गया, अब एक टहनी हमको इधर चाहिए। तो जो स्लीपिंग आइज है तो उसको हमारे हाथ इसको कट मारना है, यहाँ से एक कट मार दिया और इसको छील दिया, ये हो गया जख्म हो गया। तो यहाँ से ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी यहाँ पर। तो ग्रोथ रुक जाएगी तो ये जो स्लीपिंग आइज है, ये तो स्लीपिंग आइज है, तो यहाँ से एक बिम निकलेगा टहनी, और टहनी निकलेगी और जुलाई में इसको हम फिर इसको बॉइंटिंग करेंगे। तो हमारे ऐसी है एक टहनी, दो टहनी और तीन टहनी, और एक टहनी और मार दो इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, एक टहनी यहाँ मार दे तो फिर। हाँ, इधर से मार दे तो कट। तो इसको हम कट मारने इसको बोलते हैं नोचिंग। ये इसको नोचिंग बोल दिए। अब इसका मैं सेंडा लीडर है तो यहाँ से इसका सब यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से ये स्लीपिंग आईज है, यहाँ से बिंब बनेगा इसे। तो आइए अभी कौन कौन से पेड़ है और ये रह रहा है इसमें, इसमें तो ऑलरेडी बन चुकी फैदर जी। ये समझा दो उसको फिर एक बार। इसमें तो बिंब बन चुके। अब इसका जो हमका प्रक्रिया है, ये देखो ये बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये निकल गया, एक टहनी निकल गया। तो अब इसको हम जुलाई में इसको ना ऐसे बाइंडिंग करेंगे, ऐसे जुलाई में तारों से बाइंडिंग करेंगे और इसको ऐसे करेंगे और जितना लंबा जाएगा पेड़ फैला देंगे ऐसे। अभी अभी तो ये काम जुलाई का महीने का काम है, तो इसमें ऐसे बिंब बने, ये बिंब बनेगा और ये सेंटर लीडर है। और इसका क्या होगा, ये वाला पेड़ का ना? इसका भी, हाँ, इसकी भी नोचिंग छोड़ गई। दो पेड़ है, एक है नहीं, दो एक ही पेड़ नीचे आ गया। कैसे पता लगेगा? ये देखो नीचे फट गई नो। हाँ, दो पेड़। हाँ, दो। तो हम यहाँ इसको जख्म करेंगे, ये तो ये आ गया। आँख बनानी है, आँख से ऊपर स्लीपिंग जो आईज बोलते हैं, एक अपने हाथ से आँख बनानी है। हाँ, ये आँख बनानी बस, एक सीधा कट एक तिरछा कट। हाँ, हो गया ये। तो ये अब जो स्लीपिंग आईज है ना, ये बिंब बनेगा, इसकी जो ग्रोथ आएगी सीधा जो शेप चढ़ेगा तो इसकी ग्रोथ सीधा ऊपर जाएगी। तो अगर हम यहाँ इसको स्टॉप किया जा कर दे तो यहाँ से इसकी टहनी बन जाएगी। मन चाहे टहनी बन सकते हो और मन चाहे पेड़ को हैंडल कर सकते हो। तो ये कल मैं दिल्ली चलाऊंगा, तो ये देखो ये बन गई, ये नोशी बन गई, यहाँ से टहनी होगी और एक दो टहनी बन गई। और इसको भी कर देते हैं, इसमें तो है, ये तो ऑलरेडी बनाया फायदा, इसमें कर देते हैं जख्म ये। अच्छा, तो बगीचे के साथ साथ आलू भी बो रखे हैं। हाँ, आलू भी है। और आइए, आलू बोने से ये बगीचे में क्या फायदा मिलेगा? इसमें नाइट्रोजन मिलेगा, नमी रहेगी और खाद मिलेगी पेड़ों को, नहीं तो जमीन बंजर हो जाएगी। तो वही करते हैं हम, उधर भी आओ उधर। ये कौन सा पौधा है ये बता दीजिए? ये है एप्पल फटाटे नाशपति, ये 6 इंच का नाशपति है, जापान का ये नाशपति का पेड़ है, ये 1 साल का है। तो अब इसमें चल रहा है, ग्रोथ चल रही है। और ये कौन सी सब्जी है? ये बाकुलिया। बाकुला दो प्रकार के होते हैं, सुमित
और जयत दो किस्म की बाकुला है इसमें, इसके हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी दवाई का काम करता है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। और अब ये भी है, इसको भी जख्म करेंगे, ये रहा, आइए आइए, ये देखो, ये आईज है, देखो अब ये पेट से ऊपर गया, तो अब वो उधर से मम्मी की डांटी पड़ रही है, भाषा दे रहा, क्या करें यार, ऐसे कटिंग करेंगे। रे मैं काम कहूँ मैं यार, चार मिनट आएगी, आगे से बंद गया आपका।